Hello friends, my name is Manish Nagoya and we are discussing a very important topic of English grammar, that is voice. So, aaj hum padhenge voice ke baare mein. English mein voice hoti hai two types ki. First hai active voice and second hai passive voice. सबसे पहले जब हम एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें समझने वाली बात ये होती है कि सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है सब्जेक्ट, देन हम यूज़ करते हैं वर्ब, उसके बाद हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट. ऐसे फॉर्मेट समझने के बाद हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस का. और पैसिव वॉइस में हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का. ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी अकॉर्डिंग टू द टेंस. उसके बाद हम आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पे. यस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है सेंटेंस, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. उसके बाद हमें यूज करना है बाय सब्जेक्ट. इट मीन्स हमें लास्ट में बाय सब्जेक्ट यूज करना है. एग्जाम्पल से समझते हैं इसे आगे. सपोज एक्टिव वॉइस में हमारे सामने एक सेंटेंस है, शी राइट्स अ लेटर. यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, शी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड देन हमने यूज किया है अ लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है. अब अगर हमें इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम पैसिव वॉइस का कैसे बनाएंगे. पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम यूज करेंगे अ लेटर. इट मींस अ लेटर ऑब्जेक्ट का वो आगे आ गया है, एंड देन अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें यूज करना था हेल्पिंग वर्ब. सो हेल्पिंग वर्ब है इज, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है रिटन. Write is the first form of the verb, so written is the third form of the verb, and then in the last by her. अब हमें ये समझना है कि subject her में change कैसे हुआ. तो एक format की तरफ देखते हैं. अगर active voice में ये सारे subjects हैं, तो passive voice में ये सारे subjects कुछ इस तरीके से change हो जाते हैं. For example, अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में बाय मी में कन्वर्ट होगा. अगर एक्टिव वॉइस में ही है तो पैसिव वॉइस में बाय हिम में कन्वर्ट होगा. अगर एक्टिव वॉइस में शी है तो बाय हर, इट है तो बाय इट ही रहेगा, दे है तो बाय देम में कन्वर्ट हो जाएगा, यू है तो बाय यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नेम है किसी का तो वो नेम में रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. लास्ट में है वी, वी का चेंज हो जाता है बाय अस में. हम नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं इसका. For example, active voice में अगर लता is singing a song, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ लता कौन है subject, और helping verb है is singing a song. ये verb है और ये object है. इसके बाद अगर हमें इसे passive voice में convert करना है तो हम इसे कैसे convert करेंगे. A song, हमें object को सबसे आगे लेके आना होगा, is हमें helping verb का use करना है, एंड देन आई एन जी वाले सेंटेंस में हम बीन का यूज करते हैं. सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, सिंग सैंग संग. उसके बाद हम यूज करेंगे नेम बाय लता, क्योंकि यहाँ आगे लता सब्जेक्ट थी तो हमने उसे पीछे रख दिया है बाय लता. एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं इसे. एक्टिव वॉइस में है मनीष टीचेस अस इंग्लिश. अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मनीष. अब ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूज हम कहां, कैसे और क्यों करते हैं. सेम इसी फॉर्मेट से आप इसका यूज अदर टेंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर, एंड माई नंबर इज 9929855808. Thank you.